आजमा फला है मुनावर फारूकी से नाराज, आखिर क्यों, क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवन, वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, आजमा की अगर बात करें तो आजमा है मुनावर से नाराज। क्यों नाराज है आजमा? दरअसल आजमा और मुनावर की बॉन्ड हमने देखी और ये बॉन्ड जो है लॉकअप में तो नजर आई ही सही, लेकिन लॉकअप के बाहर भी नजर आए। जी हाँ, दोनों लाइव आए थे, लाइव आकर दोनों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती की, लेकिन अब कहीं ना कहीं आजमा ने खुलासा किया है कि वो मुनावर से नाराज है। किस बात को लेकर आजमा फला जो है वो नाराज हो गई हैं मुनावर फारूकी से? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि आजमा जब लॉकअप से बाहर आई तभी बहुत सारे इंटरव्यूज आजमा ने दिए, और जब फैंस ने उनसे पूछा कि यू नो आपने जो है पर्सनली अटैक किया है लॉकअप में, तो जो है उसकी वजह से आपको बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो आजमा इस पर कहती है कि उन्हें ट्रोलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सोशल मीडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी बातें उनके बारे में चल रही हो वो कभी अपनी पर्सनल लाइफ में उसे लेकर नहीं आती है, तो उन्हें ट्रोलर से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, भले आप ट्रोलर्स को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही जब ज़िशान खान को लेकर जो है आजमा से पूछा गया कि ज़िशान जो है वो लॉकआउट हुआ, तो यहाँ पर आजमा जो है वो कहती है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है लॉकअप में, ओवरऑल मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगी, और जिसके लिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वेल, यहाँ पर आजमा जो है वो ज़िशान के बारे में बोलती हैं कि जब ज़िशान ने उन पर यू नो हाथ उठाया था, तभी कोई भी लड़का जो है लॉकअप में वो उनके सपोर्ट में नहीं आया। अब कहीं ना कहीं जब आजमा ने ये बात कही तो वो एक जो कहना चाहिए कि एक ट्रस्ट था उनका उनके दोस्तों पर, मुनावर पर, तो कहीं ना कहीं उस समय मुनावर को रिएक्ट करना चाहिए था। वेल, कंगना रनौत ने भी जब ये बात कही तभी मुनावर ने ये चीज़ रियलाइज की कि उन्हें जो है आजमा का साथ देना चाहिए था और उस पर रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन मुनावर ने उस समय नहीं रिएक्ट किया, जिसकी वजह से आजमा अभी तक काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। क्या है आपके रिएक्शन, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।